Welcome to this mock interview. Where are you joining Thank us? You, sir. I am from Ayodhya. Ayodhya? Yes, sir. The land of Lord Rama? Yes, sir. Okay. So welcome to this mock interview. Tell us a little bit more about yourself, about your background, about your education, about your career goals. Tell us everything about yourself. Okay, sir. So my interview is in Hindi, so I will speak in Hindi only. Excellent. बहुत अच्छी बात है. हिंदी में बोलना तो बड़ी अच्छी बात है. देश की राष्ट्रभाषा है. और आप वैसे भी अयोध्या से बोल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है. तो बताइए अपने बारे में जितना बता सकते हैं. सर, मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तवा है. मैं अयोध्या से आती हूँ. मैंने बीएससी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से है. उस बाद मैं वर्तमान में वाणिज्य अधिकारी पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में कार्यरत हूँ. इससे पहले मैंने 3 वर्षों तक सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य किया है. मुझे शायरी लिखना पसंद है. बहुत अच्छी बात है. शायरी पसंद है आपको? Yes, मैंने ठीक से सुना नहीं. आपने कहा आपको शायरी लिखना पसंद है? Yes, sir. अच्छा, तो आप शेर उर्दू में लिखती हैं? सर, मैं हिंदी के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए कुछ शब्दों का उर्दू में इस्तेमाल करती हूँ. कुछ अपनी फेवरेट एक दो कपलेट सुनाइए. सर, खुद की लिखी हुई मैं एक सुना रही हूँ. एक शजर खड़ा है धूप में, एक शजर खड़ा है धूप में, दुनिया को देता छाया. एक शजर खड़ा है धूप में, दुनिया को देता छाया. एक बंजर सूनी कोक को तूने धरती माँ बनाया. ये मैंने पर्यावरण दिवस पे लिखी थी पेड़ के लिए. बहुत सुंदर. थैंक यू सर. बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लिखते हैं आप. अब ये बताइए कि आपके कैरियर गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में अपने? सर, मुझे शुरू से ही सिविल सेवा में आना था, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ और मैंने वहाँ बहुत सारी समस्याएं देखी थी. और मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर हम किसी चीज का चौमुखी विकास करना चाहते हैं तो सिविल सेवा हमें एक अच्छा अवसर देता है इसके लिए. मान लीजिए आप एक बहुत बैकवर्ड क्षेत्र में नियुक्त हैं जिला कलेक्टर, आप वहाँ पहुंचे हैं और आप मन में आपकी इच्छा है कि वहां पर कुछ करें, आप विकास करें, नाम छोड़ें, तो आप कैसे अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी कि वहां पर विकास कैसे करें जिले में? सबसे पहले मैं सर देखूंगी कि उस जिले की प्रमुख समस्याएं क्या हैं. उस जिले के जो प्रमुख समस्याएं हैं, जब उनका मुझे पता लग जाएगा तो उसके हिसाब से मैं यह निर्णय लूंगी कि मैं मुझे पहले किस क्षेत्र में काम करना है. मुझे हमेशा से लगता है जो कुछ क्षेत्र सबसे पहले ध्यान दिए जाने चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, महिला विकास के काम होने चाहिए. यदि हम इतना करते हैं तो उस क्षेत्र का विकास अच्छे से किया जा सकता है, जिससे रोजगार की भी संभावना पैदा होगी. आजकल सबसे बड़ी समस्या एक कोरोना से लड़ने की है. कोरोना मान लीजिए आपके क्षेत्र में पहले काफी नुकसान पहुंचा चुका है, अब कुछ कम है, लेकिन अब तीसरी वेव की आशंका है, तो आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में तैयारी के लिए? सर, मैं लोगों को जागरूक करने का सबसे पहले काम करूंगी, क्योंकि पहले हो चुका है तो लोग कुछ हद तक जागरूक हैं, उन्होंने उसकी भयावहता देख रखी है. तो मैं सबसे पहले ये करूंगी कि वहां के लोगों को बताऊंगी कि तीसरे वेव की आने की संभावना है. तो जितने आपने जो भी मेजर रिकवरी प्लेस ले रखे हैं उनको ले रहे. ये आवाज बीच में रुक गई है, लगता है कि बैंडविड्थ का इशू है. तो मैं अपना वीडियो कर देता हूँ और आवाज रहने देते हैं. तो हाँ, बताइए. सर, मेरा मानना है कि क्योंकि पिछली बार लोगों ने भयावहता देख रखी है तो संभावना जो है वो उतनी है कि लोगों को पता है बीमारी के बारे में. तो हम उन्हें इस बारे में जागरूक करेंगे कि तीसरी वेव आने वाली है, जो वेव ऐसे ही खतरनाक हो सकती है. तो सब लोग जितने भी मेजर्स प्रिकॉशनरी बताए गए हैं, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धुलना, वो करते रहे,
साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है सब लोग लगवाएं और धीरे धीरे करके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संचालन होते रहने दें। महिला और बच्चों के विकास के लिए आप क्या करेंगी, महिलाओं के आय के लिए और उनके सामाजिक उत्थान के लिए, इसमें क्या कदम आप विशेष रूप से उठाना चाहेंगे? सर, महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले शुरू से ही महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना होगा। जो समाज है, अगर वहाँ महिलाओं को शिक्षा मिलती है तो वो अपने अधिकारों के बारे में स्वयं जागरूक होती हैं, और जब वो स्वयं जागरूक होती हैं तो आने वाली पीढ़ियां जागरूक होंगी और जो सामाजिक ताना बाना है उसका अच्छे से निवारण किया जा सकता है। और आर्थिक रूप से अगर उनको हमें सक्षम बनाना है तो सबसे पहले एक तो शिक्षा और दूसरा जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे हम MSME के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कौशल विकास करेंगे उनका, और उसके बाद उन्हें आय के छोटे छोटे साधन उपलब्ध कराना शुरू करेंगे और उन्हें स्वयं आगे बढ़कर अपने लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छी बात है रूपाली, आपसे फिर एक दफा लास्ट में और बात करेंगे। इस बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे और उसके बाद राजीव जी, धन्यवाद। रूपाली, आप शायरी करती हैं, आप सबसे ज्यादा किस शायर से प्रेरित हैं? सर, मैंने सबसे ज्यादा बशीर बद्र जी को पढ़ा है। बशीर बद्र जी को? यस सर। तो बशीर बद्र जी की कुछ शायरी सुनाइए। सर, उनकी एक बहुत फेमस शायरी है जो मुझे अक्सर मोटिवेट करती है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, राहों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत अच्छे। बशीर बद्र जी कहाँ से थे? सर, बशीर बद्र अयोध्या से ही थे। अरे क्या बात है। उन्होंने एक दफा मेरठ राइट्स के बाद कुछ शायरी लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, आपको कुछ ख्याल आ रहा है? सर, मुझे ये नहीं पता कि उनकी कौन सी शायरी उन्होंने उसके बाद लिखी थी, पर मुझे पता है उसके बाद वो यहाँ से मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए थे क्योंकि राइट्स में उनका काफी नुकसान हुआ था। हाँ, उनकी वो मशहूर शेर है ना उनका, ये अलग मिजाज का शहर है। सर, आई थिंक परखना मत परखने से कोई अपना नहीं रहता। बहुत अच्छे। अच्छा, आपने क्या हिंदी साहित्य का भी अध्ययन किया है? नहीं सर, मैंने हिंदी साहित्य का अलग से कभी अध्ययन नहीं किया। क्या आपने मुंशी प्रेमचंद को भी नहीं पढ़ा है? सर, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा है मैंने। क्या उनके कौन कौन सी कृतियों को आपने पढ़ा है? सर, मैंने उनकी काफी समय हो गया पढ़े, पर मैंने उनकी गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और बहुत सारी उनकी जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो भी मैंने पढ़ रखी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, अब थोड़ा आजकल की हालात पर चलते हैं, आपको क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आप नजर रखती हैं? जी सर, मैं रखती हूँ। ये बताइए, अफगानिस्तान में आजकल क्या चल रहा है? सर, अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो विड्रॉल कर रहा है, वो अपनी डेडलाइन पूरी कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे उसकी फोर्सेस अमेरिका से बाहर निकल रही हैं और विश्व की जो और ताकतें हैं जैसे रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, वो वहां पर अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें तालिबान इस समय वहां की एक सबसे बड़ी वास्तविकता के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। ये तालिबान क्या चीज है? तालिबान मुजाहिदीन तरह की फोर्सेस हैं जिसको तालिबान को US ने स्टार्टिंग में प्रमोट किया था रशिया के खिलाफ, और धीरे धीरे ये जो एक आतंकी संगठन के रूप में उभरा जो पूरे विश्व के लिए एक संकट के रूप में सामने आया। तालिबान को पाकिस्तान का भी बहुत हमेशा से सहयोग रहा है, इस वजह से तालिबान काफी मजबूत होता चला गया। तालिबान को अमेरिका ने सपोर्ट किया था या मुजाहिदीन को किया था? जब रशियन इन्वेजन हुआ था तो उस समय अमेरिकी जो एजेंसीज थी उन्होंने जिन लोगों को सपोर्ट किया था वो तो मुजाहिदीन थे, तालिबान तो बहुत बाद में आए। सर,
हो सकता है मुझे यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो, पर मैंने जितना पढ़ा है, ये धीरे धीरे ये सारी ही शक्तियां धीरे धीरे तालिबान से मिलती चली गई। तालिबान का अर्थ क्या होता है? सर नहीं बता जो ये पाओगे, लफ्ज है, जो ये शब्द है तालिबान, इसका कोई अर्थ है? कोई बात मुझे नहीं, पता अगर नहीं है, आपको सॉरी आपको सर। नहीं पता तो अच्छा, उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में ये हालात बदल रहे हैं, वैसे ही इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में भी अभी हाल में काफी झड़प हुई थी, तेज झड़प हुई थी, 11 दिनों तक वॉर चला था, उसके बारे में कुछ बताइए संक्षेप में। सर इसराइल जो है वो उसको यहूदी लोग मानते हैं कि जो वो भूमि थी, वो भूमि उनके शुरू से उनकी पैतृक भूमि है, और इसलिए वो वहां पे बसना चाहते थे। और ये जो फलस्तीन था वो पहले से बहुत बड़ा क्षेत्र था, जहां पर धीरे धीरे करके इसराइल बसते चले गए। दोनों के बीच में काफी सारे युद्ध हुए, और अब ज्यादातर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर इसराइल का कब्जा है। इस वजह से इसराइल के बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जैसे सीरिया के साथ उसने सीरिया का गोलन हाइट का एरिया ले लिया, ऐसे अगल बगल के जॉर्डन के साथ या सबके साथ उसके संबंध थोड़े खराब हुए। हम लोग की जो भारतवर्ष की एक लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, यस ये सर, क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है, वो भारत के पूर्वी ओ एरिया ओ पूर्वी क्षेत्र में जितने भी देश हैं, जिन्हें हम ज्यादातर आसियान देशों के नाम से जानते हैं, उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, उन देशों के साथ व्यापार के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक समझौते के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे और उनकी तरफ ध्यान देंगे, इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी आई। किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में सबसे पहले सोचा था? सर मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब वो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक और नाम बदल दिया गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सर, ये क्यों किया गया? सर क्योंकि जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे बराक ओबामा, उनको लगता था कि जब हम लुक ईस्ट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उनकी तरफ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और ज्यादा उनके साथ काम करने के लिए एक्ट ईस्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब हमें काम करना है अपने संबंधों के ऊपर, अपने संबंधों को और मजबूत करना है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने शुरू किए हैं? सर मुझे एक मिनट सोचने का वक्त दीजिए। प्लीज प्लीज। सर अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो वहां पे हम जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, कंबोडिया है या वियतनाम है, सभी के साथ, जैसे वियतनाम के साथ हमने रक्षा समझौते करने शुरू किए हैं, जापान के साथ मिलकर के हम अफ्रीका के देशों में भी काम कर रहे हैं, क्वाड में भी काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है। मैं आपसे सवाल कर रहा था कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमने एक्ट ईस्ट के तहत शुरू किया है। अगर आपको उनके नाम याद नहीं तो सर कोई सॉरी सर, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, सर याद नहीं आ रहा। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी बतौर सिविल सर्वेंट? सर महिला सशक्तिकरण के लिए मैं सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पे जोर देना चाहूंगी, उनके स्वास्थ्य पे काम कर स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पे काम करना चाहूंगी। उसके बाद उनमें स्वयं जागरूकता लाने का काम करूंगी। जो पंचायती राज स्तर पे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, उसके बाद जो भी महिलाएं आ रही हैं उन महिलाओं को जागरूक करूंगी उनके अधिकारों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए, साथ ही साथ उनके लिए रोजगार के नए अवसर खोजने की, उन्हें उसके लिए कौशल देने की कोशिश करूंगी। क्या आप अपने निजी अनुभवों को से ये महसूस करती हैं कि आज की महिला भारतवर्ष में सशक्त नहीं है? सर मैं ग्रामीण प्रवेश चाहती हूँ, मैंने दोनों ही तरीके की महिलाओं को देखा है, जो बहुत सशक्त हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला है और अभी भी उनके पास संसाधन की बहुत कमी है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने गांव में काम किया है एज अ टीचर के तौर पे, तो वहां पे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं
उनके साथ ये अक्सर देखा गया है कि अगर माता पिता को बेटे और बेटी में से एक को स्कूल भेजना है किसी दिन किसी कारणवश, बेटा डेली स्कूल आएगा और बेटी को घर पे रोका जाता है, कभी भाई बहनों की देखभाल के लिए, कभी कोई काम करने के लिए, तो इस तरीके से उनकी जो शिक्षा है वो अनवरत नहीं चल पाती है और ये आगे चल के उनके प्रभाव में झलकती है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता, उन्हें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम चला रही किशोरियों के लिए, उन सबके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वो वहां भी बहुत कुछ देखती हैं, झेलती हैं। बहुत अच्छा, राजीव जी। थैंक यू सर। रूपाली जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा रूपाली, ये बताइए, अयोध्या का नाम प्रयागराज हो गया तो ये शहरों का नाम बदलने का क्या व्यवस्था है, कैसे बदला जा सकता है, कैसे बदलते हैं? सर, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है, पहले फैजाबाद था। सर, इसको करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से इनिशिएट किया गया था कि नामों को बदला जाएगा और जो लोकल एमएलए या एमपी थे उन्होंने ज्ञापन सौंपा था, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि नाम बदला जाएगा। नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया है नाम बदलने का, ऐसे ही निर्णय लेने से नहीं हो जाएगा, क्या प्रक्रिया है उसका? सर मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, सॉरी सर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे जगह से हैं जहाँ नाम बदलाव हुआ है, तो प्रक्रिया उसका जान लीजिएगा, कैसे स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है, फिर किस उसमें जाता है, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि हमारे इन प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के को संबोधित किया था हिंदी में पहली बार? सर, मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। तो आपका नॉलेज तो टेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही बस एक वार्तालाप हो रहा है उसके द्वारा। जी सर। अच्छा, फिर ये बताइए, हमारे अगर सपोज आप विदेश सचिव बनती हैं, तो अगर पाकिस्तान के साथ एक बैठक करना हुआ तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगी, कैसे आप उसमें उसको करेंगी, एक बढ़िया सा वो मीटिंग जिसका हमारा बिल्कुल उसमें लगे कि भारत ने आपने सभी बातें रख दी हैं और कहीं हम चूक नहीं रहे हैं और प्रिकॉशंस भी हम ले रहे हैं कि हम कहीं फंस ना जाएं। जैसे आगरा में कुछ परेशानी हुई थी, आगरा के वाजपेयी जी के मीटिंग से जो हुआ था नवाज शरीफ उनके साथ में, परवेज उनके हसन तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेंगी जरा सोच करके और स्टेप्स बताएं। सर, एक विदेश सचिव के तौर पे अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली है तो सबसे पहले मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश करूंगी, मतलब यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध दिखाने की कोशिश और अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाएगी जो लोगों के बीच में है। और उसके बाद मेरा मानना है कि हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच में आपस में दोनों विदेश सचिव बैठ करके ये सहमति बनाएंगे कि किन मुद्दों पे हमें बातचीत करनी है। हम अपने सारे मुद्दों को, जैसे अगर हमें आतंकवाद की बात करनी है, जम्मू कश्मीर की बात करनी है, जो उन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात करनी है, पीओके एरिया की बात करनी है, इन सब में जो उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा, जिन मुद्दों पे हमें बातचीत करनी है उनको हाईलाइट करेंगे और उसके बाद अपने प्रधानमंत्री के साथ इसे डिस्कस करेंगे कि इन मुद्दों पे हमें बातचीत करनी है, ये मुद्दे हैं, और फिर मीटिंग उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपने आपका अनुभव भी क्या कहता है और इसमें आपका विचार हमें चाहिए। हिंदी में जो सरकारी कामकाज करने वाले राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनके प्रशासनिक कार्य निष्पादन का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है या नहीं? सर, इसके बारे में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, पर मैं मेरे विचार रखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। कि कोई भी जो भी राज्य है वो चाहे हिंदी में काम करते हो या किसी अन्य भाषा में, जो वहाँ के लोगों की अपनी भाषा है, जब काम उस भाषा में होता है तो जो सबसे आखिरी खड़ा इंसान है, जो गरीब तबका है, उसको फायदा होता है।
क्योंकि सभी लोगों को अलग भाषा नहीं आती है। अगर हम यूपी की बात करें, सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो अगर हिंदी में कामकाज होता है तो उनके लिए सुविधा होती है। बस हिंदी जो है उसका जब प्रयोग करते हैं तो बहुत क्लिष्ट ना हो जाए, क्योंकि जब हिंदी, जैसे जो हाई कोर्ट का अगर हिंदी में पढ़ा जाता है, जो कुछ भी वहां से लिख के आता है, उसकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है, थोड़ी कानूनी भाषा होती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बाकी आसान और सहज होता है अगर हिंदी में काम होता है। भारत का लैंग्वेज नीति क्या है, भाषा नीति क्या है हमारा? भारत में इंग्लिश और हिंदी दो को, जो इंग्लिश और हिंदी है दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कोई भी नेशनल राष्ट्र भाषा के तौर पे किसी भी भाषा को स्वीकार नहीं किया गया है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो भारत उसमें उसमें तीन भाषाई तीन भाषा के फॉर्मूले पे चलता है, एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक जो वहाँ की मातृभाषा हो उस भाषा पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय अभी जो शिक्षा नीति बनी है इसमें भाषाओं के बारे में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी तीन भाषा पर जोर दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा जो भी एक भाषा वहाँ की मातृभाषा हो। और फिर ये कहा गया है कि जो भी बच्चों को 1 से 5 तक पढ़ाया जाएगा वो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ने से बच्चे बहुत तेजी के साथ सीखते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा होती है। फिर उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि यह प्रक्रिया कक्षा 8 तक की जा सके। और उसके बाद जो संस्कृत जैसी भाषा है उसको ग्रेजुएशन स्तर तक लोगों को ऑप्शन के तौर पे देने की बात की गई है कि अगर कोई संस्कृत ग्रेजुएशन तक पढ़ना चाहता है, 12th तक पढ़ना चाहता है तो भाषा रहे। बहुत अच्छा उत्तर था, बड़ा आपने सारा उसको जितने इसके भाव हैं आपने सब इसमें संकलित कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, कार्ल मार्क्स का मुख्य विचार समाज के बदलाव के बारे में क्या कहा उन्होंने, किस रूप में उन्होंने देखा इसका बदलाव होते? सर कार्ल मार्क्स जो है वो मजदूरों के, उनको उन्होंने मजदूरों की हालत देखी और उन्हें हमेशा से लगता था कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मजदूरों को दबा रहा है, वो मजदूरों से काम करा रहा है अपने हक के लिए और उसमें मजदूरों का नुकसान हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो किसी भी समाज का बेस होती है, और जो भी वर्ग उस अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल कर लेगा उसका कंट्रोल सभी गतिविधियों पर रहेगा। इसीलिए वो मजदूरों को कहते हैं कि आप अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल बनाइए। वो मजदूरों को कहते हैं कि ये समय आ गया है जब हम आगे आए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें बस पाना ही है। और किन किन व्यवस्थाओं से गुजरेगा समाज? सर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले एक मतलब जो एक मिनट तक सोचने के लिए दीजिएगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले मजदूर जो है वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, फिर एक अर्थव्यवस्था स्थापित होगी जिसमें मजदूर जो है वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेंगे, और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि पूरी तरीके से हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देंगे और जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सभी लोगों की बराबर रूप से होगी। इसको उन्होंने कम्युनिज्म का नाम दिया। आपका विचार मृत्यु दंड पर क्या है? यहाँ दोनों तरह की बातें चल रही हैं, आपका क्या विचार है? सर मैं मानती हूँ कि मृत्यु दंड जो है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाना चाहिए। पूरी तरीके से खत्म करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत स्थिति ऐसी हो सकती है सरकार के सामने जहां पर शायद मृत्यु दंड देना बहुत आवश्यक हो, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए, जहां पर जो भी व्यक्ति के खिलाफ ये किया जा रहा है उसको पूरी तरीके से अपना पक्ष रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, सारे नियम कानून का पालन होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हमारे सरकार, हमारे जो किसान भाई हैं वो एजिटेशन मोड में है, ये तीन कौन कौन से कानून है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, और आपके विचार में कैसे आगे बढ़ा जाए? तो बड़ा स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों तरफ का कुछ वो संविधान इसका कुछ लग नहीं रहा है कि कैसे इसका समाधान होगा, आपके विचार से कैसे इसको करना चाहिए हैंडल? सर जो तीन कानून लाए गए हैं, एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, और सर
सर तीसरे का नाम नहीं याद कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है कोई सर, तीनों ही कानून में, पहले कानून में जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके साथ किसानों के समझौते की बात की गई है कि किसानों के साथ मिलकर के वो काम कर सकते हैं, तो हम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें पहले क्या था कि जो कमोडिटीज थी उनके जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, उनका स्टोरेज नहीं अलाउ था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अभी उसको अलाउ कर रहे हैं जिससे उसका फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार का कानून आया है वो कानून अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है तो ये किसानों के हित में है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उससे किसानों को मशीनरी मिलेगी, उससे किसानों को पैसा मिलेगा, नई नई तकनीक मिलेगी और इससे वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो किसान है मुझे लगता है कि उनकी जो आशंकाएं हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं वो हमसे ज्यादा पावरफुल हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके इसका मिसयूज कर सकते हैं, ऐसी सारी संभावनाओं के खिलाफ मुझे लगता है कि किसानों को समझाना चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए जो शायद इस विषय पे देख सके, एक कमिटी बनाई जा सकती है किसान, जिसमें किसान भी शामिल हो, व्यापारी भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो, कि इन मुद्दों को साझा किया जा सके। लेकिन किसान भाई तो कमेटी के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई एक कमेटी बने उसमें आप लोग अपनी अपनी बात रखिए, बात समझौता की, वो तो मानने को तैयार ही नहीं, वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो अच्छा खैर कोई बात नहीं, इस पे हम लोगों ने आपका अच्छा विचार आपका था, हमने सुन लिया समझ लिया। एक चीज ये बताइए, नागरिकता कानून में जो बदलाव आने का उसका भी विरोध किया जा रहा है, उस पे आपका क्या विचार है, उसको कैसे सुलझाना चाहिए? नागरिकता कानून में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं अपने पड़ोसी देशों की, उनको भारत में संरक्षण देने की बात की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और यहाँ पर हम सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान करते हैं, और अगर किसी भी देश में किसी कम्युनिटी के साथ कोई वो नहीं हो रहा है तो हम उसे शरण दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश में आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि उनके पास लौटने के शायद वजहें अब नहीं बची हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पॉलिसी बार बार नहीं लाई जा सकेगी क्योंकि अपने हर देश की अपनी क्षमता होती है, हर देश की अपनी सीमा होती है, तो उस कट ऑफ डेट के बाद ये इंश्योर करना होगा कि बाकी जिन देशों में अगर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ कुछ हो रहा है तो हम उस देश को, उस देश के साथ बैक चैनल टॉक करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए आगे से। आप कहीं अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और वहां रोहिंग्याज की समस्या है, समझ गए ना, उसको कैसे सुलझाएंगे आप, उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर रोहिंग्या के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे म्यांमार अपने देश का नागरिक मान नहीं रहा है, उनको यूएन ने सबसे बड़े स्टेटलेस लोग कह दिया है, तो अभी उनको वापस भेजना पॉसिबल है नहीं। तो वो जिस एरिया में है सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन रोहिंग्या है, उनका नाम, उनका, उनको जो भी उनकी एबिलिटीज हैं, उनके कौशल हैं, उनकी पंजी तैयार करेंगे, उनके लिए लोकल तौर पे शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी काम करने की सुविधाएं दी जा सकती है वो मुहैया कराएंगे, और जो अपनी सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उन तक ये बात पहुंची जाएगी कि इतनी संख्या में यहाँ पे रोहिंग्या है, उनके लिए केंद्र सरकार स्तर पे जो भी वार्ता चल रही है म्यांमार के साथ उन्हें वापस लेने की, जब वो फलीभूत हो जाएगी तो उन्हें वापस भेज देंगे, लेकिन तब तक उनको यहाँ पर रखना मुझे लगता है कि हमारी अभी मजबूरी है। हम संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर के तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं हम उसमें आने का, उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं? हाँ रूपाली आप सुन पा रही हैं? यस सर, संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। कौन क्या बाधाएं आ रही हैं उसमें, मुख्य बाधा क्या है भाई? सर परमानेंट मेंबर बनने के चीन है, रूस है, यूएस है, वो कंट्रीज नहीं चाहती है कि कोई नई, जो नए देश है वो परमानेंट मेंबर के तौर पे शामिल हो और उनको वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर किसी नए देश को शामिल किया जाता है और उनको वीटो पावर मिलती है तो इन शक्तियों को लगता है कि इनकी जो शक्तियां हैं वो डाइल्यूट हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो
C5 कंट्रीज हैं जैसे चीन है, वो कभी भी इस चीज के लिए नहीं तैयार होगा कि भारत जैसा देश जो है वो C5 कंट्री के तौर पर सामने आए। भारत ने 4 देशों के साथ मिलकर के G4 बनाया हुआ है जहां वो परमानेंट सीट के लिए डिमांड कर रहा है, लेकिन इंडिया को अपोज करने के लिए पाकिस्तान ने कॉफी क्लब बना रखा है कई देशों के साथ मिलकर जो भारत जैसी ताकत को शामिल होने से रोक रही है। उनका ये कहना है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और एशिया से P5 में अभी चीन ऑलरेडी शामिल है। ये सारी समस्याएं आ रही। अच्छा रूपाली, मेरा आखिरी प्रश्न शायद ये होगा, आपके हमने डैफ में देखा है आपने IAS में किसी स्टेट को प्राथमिकता दिया है और IPS के लिए आपने बदल कर कुछ और दे दिया है, इसका क्या मुख्य कारण, इसका कारण क्या है? सर मैंने IAS में और IPS में दोनों में ही उत्तर प्रदेश को पहली प्राथमिकता दी है, इस आधार पर कि दोनों ही मेरा गृह राज्य है। उसके बाद दूसरे राज्यों के बारे में सर, बाकी राज्यों में मैंने वहाँ की लोगों से पूछा और लोगों ने मुझे जिस हिसाब से वहाँ पे काम करने का स्कोप बताया कि कहाँ कितना काम करने की संभावना है, उसके आधार पर मैंने व्यवस्थित किया है। हमारे सर ओवर टू यू सर, आई एम मैम थ्रू, तो पाली जी से हमारी बातचीत अच्छी हुई सर। अब आप राजीव जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे आपने, तो आपके इंटरव्यू से हम बहुत प्रभावित हैं। आप बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, बहुत अच्छा आपका ज्ञान है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के बारे में और अच्छे से तैयारी कर लें। आप कौन सा अखबार पढ़ती हैं ज्यादा? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही हूँ इस समय। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में आप किसी खास क्षेत्र को, जैसे आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, किन चीजों पर ज्यादा आप तवज्जो देती हैं? सर मैं सबसे ज्यादा एडिटोरियल पढ़ती हूँ, मतलब वो मेरा फोकस पॉइंट होता है, सिर्फ फ्रंट पेज में पढ़ती हूँ और फिर मैं IR पे फोकस करती हूँ। सर इकोनॉमी में थोड़ा आखिरी पेज तक पहुँचते मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डल फील करने लगती हूँ, उससे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रही। नहीं, लेकिन इकोनॉमी तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप देश में IAS में ज्वाइन करना चाहें तो आपको देर सवेर आर्थिक विकास के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आर्थिक समस्याओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए मेरे विचार से। कोई एक आपका कब है इंटरव्यू? 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को तो बहुत पास में आ रहा है, अगर हो सके तो आप एक कोई अखबार और पढ़ना शुरू कर दें। यस सर, मैं द हिंदू कुछ भी पढ़ हिंदू ठीक है। ओके सर, जो भी अपने आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें तो भी पढ़ सकते हैं। यस सर, अखबार में आर्थिक पेज भी होता है, अगर आप शुद्ध रूप से आर्थिक पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक टाइम्स या कोई और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऐसी भी पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन भी जाएं तो जो बहुत सारे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं आजकल जो चल रहे हैं, आजकल इंडिया में स्टार्टअप का बड़ा जोर है और स्टार्टअप्स में कुछ एक IPOs भी आ गए हैं जिसको पब्लिक इश्यूज बोलते हैं। अभी जोमेटो का हुआ है, बहुत चर्चा में है, इसके बाद में स्विगी का आ रहा है, उसके बाद पेटीएम का आ रहा है। हिंदुस्तान में कुल कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 600 बिलियन डॉलर क्रॉस हो चुका है। भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या कंस्ट्रेंट है, इन सब चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी रुचि अलबत्ता सामाजिक क्षेत्र के विषयों में हो सकती है, आप हो सकता है कि उनके बारे में ज्यादा उतना कम्फर्टेबल ना हो, लेकिन पता होना चाहिए आपको। फिर आपसे प्रश्न पूछे जाए, आप कौन से विषय पढ़ा रही हैं? आप टीचर हैं ना अभी? नहीं सर, अभी मैं PCS हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप टीचर रही हैं क्या है? क्योंकि सर टीचर रहे हैं 3 साल। कौन सा विषय पढ़ाती रही है? सर मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, 1 से 5 तक सारे विषय। सारे विषय पढ़ाती थी। यस सर। आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, टीचर? यस सर। वो क्या पढ़ाते थे? सर वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाते थे।
कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर हम चार भाई बहन हैं। हाँ, बड़ी छोटी क्या है और कैसी हैं? सर सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़ी हो या? सर मैं सबसे बड़ी हूँ। ठीक है, नीरज जी आप कुछ बताना चाहेंगे इनको? और फिर राजीव जी अपना अपना दे दे कुछ थोड़ा सा। रूपाली जी आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आप अपनी बात अच्छी तरह कह भी देती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने जो उत्तर हैं उनको थोड़ा संक्षेप में रखें। यस सर। तो थोड़ी मैंने देखा आप में ये प्रवृत्ति है कि आप कुछ लंबा बोलती हैं, तो अगर संक्षेप में कहेंगी बात तो बेहतर होगा, ठीक है ना? अदरवाइज आप बहुत अच्छा, आपका नॉलेज बेस है, आर्टिकुलेशन और बात कहने की जो आपकी तरीका है बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं काफी आपसे प्रभावित हुआ। थैंक यू सर। राजीव जी। थैंक यू सर। रूपाली जी, मैं आपका नॉलेज बेस वगैरह चेयरमैन साहब और नीरज सर ने आपको कह दिया है और हम सब से प्रभावित। एक दो सुझाव जो मैं दूंगा, जैसे आपने कार्ल मार्क्स का जवाब देने के बीच में आप रुक गए, तो मेरा एक छोटा सुझाव है कि आप जवाब देने से पहले उसके बारे सोच ले कि क्या क्या पॉइंट्स आप बताएंगे, ताकि बीच में ना रुकना पड़े। बीच में रुकने से ये लगता है कि शायद आपको पता ही नहीं है और आप अब दिमाग प्रेशर, एक तो ये। दूसरा, जहां भी हो सके संविधान का अगर कोई आप धारा या उसका कोई प्रावधान बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, इसमें मृत्यु दंड के बारे में, तो जैसे 302 सेक्शन ऑफ द आईपीसी अगर आप कह पाए, उससे लगता है कि आपको पूरी जानकारी है। अगर स्टार्टिंग आपका वहीं से हो, संविधान के उससे या आईपीसी या सीआरपीसी से, लगता है कि आप पूरी उसकी जानकारी है, तो बोर्ड जो है ना उसके बाद बहुत ज्यादा हमें उसको लगेगा कि अच्छा आपको काफी इसके बारे में। नंबर टू, नंबर थ्री, शहर के बदलाव के बारे में, चूंकि हम मेरा काम मतलब बोर्ड का काम है आपको एक सुझाव देना, एक एंटिसिपेट करना कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके शहर का नाम बदला गया था, उसलिए उसका प्रकरण क्या प्रक्रिया है शहर के नाम के को बदलने का, वो आप जानकारी रख लीजिएगा। वैसे आपका आर्टिकुलेशन तो अगर आपका हिंदी में बहुत अच्छा था, काफी इम्प्रेसिव था, और आपका नॉलेज और खास करके आपने जो हमारे किसान भाइयों के बारे में जो आपने सुझाव दिया वो भी बड़ा बड़ा मच्योर सुझाव था। ऑल द बेस्ट रूपाली। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं रूपाली, आपको सफल करें। सर मेरा एक सवाल है सर, अगर आप अलाउ करें। सर मुझे लगता है कि मेरा आईआर का बेस बहुत वीक है सर, क्या इस इंटरव्यू में भी ऐसा लगा कि मुझे आईआर पे बहुत मेहनत करनी की जरूरत? सॉरी दोबारा के, आईआर क्या? सर मुझे लगता है कि मेरा आईआर का बेस बहुत कमजोर है, क्या मुझे बहुत मेहनत करने की आईआर पे जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी तैयारी करेंगे अच्छा है, लेकिन ये मत मानिए कि आपका बेस बहुत वीक है। आपके पास लिमिटेड समय है, तो जो समय है उसके अंदर आप जितनी तैयारी कर सके करें। कुछ क्षेत्र आपके जरूर ऐसे होने चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, और कोशिश आपकी ये हो कि जब आपका इंटरव्यू हो तो आप किसी प्रकार उसको बातचीत को मोड़ के उन क्षेत्रों में ले जाएं। कुछ आप बीच में बोलें कि अगला सवाल उससे निकले, ताकि आपको प्रभावित करने का मौका लगे इंटरव्यू बोर्ड। ड्रेस के बारे में बता दीजिए। सर साड़ी पहनेंगे। सर मुझे साड़ी पहननी आती नहीं और मैं इसमें ट्रेनिंग में हूँ, तो इसीलिए मुझे सूट पहनना पड़ा आज। नहीं कोई बात, चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपको सफल करे। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।